आपको याद होगा कि यंग सर्विस्टेड एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने दो स्लिट्स इस्तेमाल की थी, जो कि इस तरह से स्क्रीन करनी थी कि S1 स्लिट थी और यहाँ पर S2 स्लिट्स थी, और हम लोगों ने एक स्क्रीन इस्तेमाल की थी। लेट्स से कि ये वो हमारे पास स्क्रीन है जिसके ऊपर हमारे पास इमेज हासिल हुआ था, जिसने हमें ये बताया कि आया कि यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। फर्क कर लेते हैं, ये वो पॉइंट पी है जहाँ पर हमारी इंटरफेरेंस हुई थी। पॉइंट S1 से भी कुछ वेव्स यहाँ पर आकर इंटरसेक्ट हुई थी और पॉइंट S2 से भी, यानी स्लिट S2 से भी कुछ वेव्स यहाँ पर आकर उन्होंने इंटरसेक्ट किया, इंटरफेरेंस की, और यहाँ पर हमारे पास ब्राइटनेस या डार्कनेस कुछ भी प्रोड्यूस हुआ होगा। और एक और बात कि जो डार्कनेस होती है ना, उसे हम लोग डार्क फ्रिंजेस भी कहते हैं, फ्रिंज। और जो ब्राइटनेस होती है उसे हम लोग ब्राइट फ्रिंज भी कहते हैं। ये ब्राइट फ्रिंज है, डार्कनेस में हमारे पास यहाँ पर डार्क कलर की लाइन आ जाती है, एक फ्रिंज की तरह की लाइन आ जाती है, और ब्राइटनेस में हमारे पास यहाँ पे ब्राइट कलर की एक लाइट आ जाती है, यानी ब्राइट फ्रिंज बन जाता है। हमें ये भी मालूम है कि हमने ये बात की हुई है कि दो स्लिट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है इसे हम लोग स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, और स्लिट और स्क्रीन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोगों ने कैपिटल एल से रिप्रेजेंट किया था। अगर अब मैं यूं करूँ कि पॉइंट पी से एक लाइन में यहाँ पर स्लिट S1 और S2 के सेंटर से मिला दूं और यहाँ पर एक बेस इस तरह से बना लूं, तो ये हमारे पास तकरीबन एक ट्रायंगल सी बन जाती है। इस ट्रायंगल में यहाँ पर हमारे पास कुछ ना कुछ एंगल थीटा फॉर्म होता है, और थीटा के बिल्कुल सामने वाली लाइन जो होती है इसे हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, और परपेंडिकुलर के बिल्कुल ये ऑपोजिट वाली साइड को हम लोग हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये एक ट्रायंगल बन जाती है। यहाँ पर मैं लेट्स से कह लेती हूँ ये पॉइंट ओ है, ओ पी, और यहाँ पर क्यू कह लेती हूँ, ओ पी क्यू, यहाँ पर मेरे पास एक ट्रायंगल बन जाती है इस तरीके की, यानी कि ये मेरे पास एक ट्रायंगल है जिसमें ओ पी और क्यू है। अब क्वेश्चन ये है कि आखिर हम ये काम कर क्यों रहे हैं, हमें क्या मालूम करना है। आप देखें तो इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा कि पॉइंट पी पर हमारे पास आया कि या तो ब्राइट फ्रिंज बनेगा या डार्क फ्रिंज बनेगा, तो मुझे ये मालूम होना चाहिए ना कि ये पॉइंट पी, यानी कि यहाँ क्यू से लेके पी तक ये जो परपेंडिकुलर है, आखिर मुझे ये मालूम होना चाहिए कि परपेंडिकुलर किस फॉर्म में निकलते हैं। ये परपेंडिकुलर एम की फॉर्म में निकलते हैं या एम प्लस वन की फॉर्म में निकलते हैं। अगर तो ये पी यानी हमारा परपेंडिकुलर जो है वो एम लैम्डा की फॉर्म में निकलेगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ पर मेरे पास जो है वो ब्राइट फ्रिंज बना है। लेकिन अगर ये एम प्लस वन इंटू लैम्डा बाई टू की फॉर्म में निकलेगा, ये वाली हाइट जो है पी बाई क्यू, तो ये मुझे पता चल जाएगी कि ये लैम्डा जो है यहाँ पर जो है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। तो इसका मतलब है मालूम हमें ये परपेंडिकुलर पी बाई क्यू, पी क्यू परपेंडिकुलर मालूम करना है। इस चीज़ को पी और क्यू को जो है हम लोग कहते हैं कि ये वो पोजीशन है, ये वो ब्राइट इसे फ्रिंज पोजीशन कह सकते हैं हम लोग, ये वो पोजीशन है जहाँ पर जाके हमें फ्रिंजेस मिलते हैं, और हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो भी फ्रिंज आया होगा वो या तो ब्राइट होगा या वो डार्क होगा। तो असल में मतलब या हमारा मकसद जो है इस काम को करने का वो ये है कि हमें फ्रिंज पता चल जाए, हमें ये हाइट P और Q जिसे मुझे लिखना चाहिए YM जो कि फ्रिंज को रिप्रेजेंट करता है, ये हाइट हमें मालूम करनी है। अब देखा जाए तो हमारा कंसर्न इस P बाय P और Q से जो हमें मालूम करना है, यानी कि हमें फ्रिंज की पोजीशन मालूम करनी है कि किस पॉइंट पर जाके फ्रिंज बनती है। अगर आपको याद होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हम लोगों ने साइन हमारे पास टेंजेंट आ जाता है और कोसेकेंट डिग्री, इनकी हम लोगों ने रेशियोज़ के बारे में पढ़ा है। अब मुझे ऐसी रेशियो चाहिए जिसमें मेरे पास ये परपेंडिकुलर यानी कि वाई एम की वैल्यू भी आ जाए, और मुझे यहाँ से कुछ ऐसी वैल्यू यूज़ करनी पड़ेगी जिसमें मेरे पास क्यू और आर भी आ जाए, क्योंकि ये एल है। हाइपोटेन्यूज से तो हमारा कोई कंसर्न ही नहीं, क्योंकि ओ पी कोई चीज़ ही नहीं है। अगर यहाँ पर एस वन पी होता तब तो हम कह सकते थे कि ये वेव का कोई काम आ रहा है, लेकिन एस वन तो आ ही नहीं रहा यहाँ पर, तो हमारे पास क्यू और पी हाइपोटेन्यूज है, तो मुझे अभी हाइपोटेन्यूज से कोई काम नहीं है, मुझे परपेंडिकुलर और बेस चाहिए। और हमें मालूम है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में जो टेन थीटा है, टेन थीटा जो है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो इस सिचुएशन में हमारा जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर हमारा पी और क्यू है, और बेस जो है वो हमारी ओ क्यू है।
हमने कहा कि पी क्यू को हम लोग वाई लेट कर रहे हैं, वाई एम या वाई कह दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे वाई ही कह दें फ़र्क नहीं पड़ता, और ओ क्यू को हम लोग एल कह देते हैं, तो यानी कि वाई डिवाइडेड बाय एल इक्वल्स टू आ जाता है टेन थीटा के। लेकिन अगर मैं ये बात कहूँ कि कुछ वक्त के लिए अगर हमारा ये पॉइंट पी बहुत ही नज़दीक आ जाए क्यू के, या क्यू के यानी कि आप इसे इस तरह से देख सकते हैं कि अगर ये हमारे पास दो लाइंस हैं, एक लाइन इस तरह से और एक लाइन इस तरह से, इसे पी कह देती हूँ और इसे क्यू, कुछ ऐसा हो कि हमारा पॉइंट पी बहुत ही क्लोज आ जाए, जैसे कि इस सिचुएशन में और क्लोज आ जाए इस तरह से कि पॉइंट पी और पॉइंट क्यू जो है वो तकरीबन ही पैरेलल हो जाए, तो मैं यहाँ पर इस सिचुएशन में इस तरह से कह सकती हूँ कि यहाँ पर जो टेन, यहाँ पर जो एंगल बनता है अगर वो टेन थीटा है, लेट्स से कि टेन थीटा है, तो मैं कह सकती हूँ कि अगर पी बहुत ही नज़दीक आ जाए क्यू के, तो जो हमारा टेन थीटा है वो साइन थीटा के इक्वल आ सकता है, यानी कि इस सिचुएशन में हमारा थीटा ही बहुत कम हो जाएगा, तो जो टेन थीटा की वैल्यू होगी जब हमारा पी बिल्कुल ही क्यू के ऊपर आ जाए, बहुत नज़दीक आ जाए जैसे कि इन दो सिचुएशंस में है, तो हमारा जो टेन थीटा है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा साइन थीटा आ जाएगा। और हमें मालूम है कि हमारा जो टेन थीटा है वो हमारा वाई बाई एल के इक्वल है, तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कि अब टेन थीटा, चूँकि मैंने एक कंडीशन लगाई है कि फ़र्ज़ कर लेते हैं कि पी कुछ देर के लिए क्यू के बहुत करीब आ गया है, तो यहाँ पर जो टेन थीटा है वो काफ़ी हद तक इक्वल हो गया है साइन थीटा के, तो टेन थीटा की जो वैल्यू है जो कि वाई डिवाइडेड बाई एल है, उसे मैं इस तरह से लिख सकती हूँ वाई बाई एल। अब हमारा मतलब या मकसद तो y को मालूम करना था, यानी कि इस परपेंडिकुलर की हाइट तक हमें ये मालूम हो सके कि इस पॉइंट P पर जाकर कितने डिस्टेंस पर जाके कोई ना कोई फ्रिंज प्रोड्यूस होता है। ये बात की है कि हमें ब्राइट फ्रिंज मिलता है या डार्क फ्रिंज, लेकिन पहले हमारे लिए ये मालूम करना ज़रूरी है कि ये फ्रिंज किस पोजीशन पर जाकर बनता है। तो अगर मैं y को मालूम करूँ तो y इक्वल्स आ जाता है एल साइन थीटा के। और आपको याद होगा कि हम लोगों ने जब अपने लास्ट वीडियो में बात की थी पाथ डिफरेंस की, तो हमने कहा था कि जो हमारा पाथ डिफरेंस है जिसे हम लोग एम लैम्डा कहते हैं, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है या डिस्ट्रक्टिव, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है फिर तो हम एम लैम्डा कहेंगे, और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो फिर हम एम वन प्लस बाय एम, इसे एम, हाँ एम प्लस वन बाय टू इंटू लैम्डा कहेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। और हमने कहा था कि हमारा पाथ डिफरेंस जो है वो लाइट के केस में अपसे डी साइन थीटा के इक्वल है। अगर मैं सिर्फ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करूं, यानी कि अगर मैं ये मान लूं कि थोड़ी देर के लिए हमारे इस पॉइंट पी पर जो फ्रिंज बनता है आके, यानी कि इस हाइट पर, वाई हाइट पर जो आके पहला फ्रिंज प्रोड्यूस होता है अगर वो ब्राइट है, तो इसका मतलब है कि पॉइंट पी पर हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई है, और अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई है तो इसका मतलब है जो दो वेव के आपस में कंस्ट्रक्ट करने से, आपस में इंटरफेरेंस करने से पॉइंट पी पर हमें जो फ्रिंज मिला है, इसका मतलब है कि उनका पाथ डिफरेंस डी साइन थीटा होगा, और उनके जो पाथ डिफरेंस है वो एम लैम्डा होगा चूँकि वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई है। अगर मैं इस चीज़ को इस्तेमाल करते हुए ये अज्यूम कर लूँ कि पॉइंट बी पर वाकई मुझे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिली है, तो मैं यहाँ पर ये वाली कंडीशन लगा सकती हूँ कि डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा है, और अगर मुझे साइन थीटा की वैल्यू चाहिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, तो ये एम लैम्डा बाय डी है। अगर मैं इस पॉइंट, इसे मैं लेट कर लेती हूँ कि ये इक्वेशन ए है और ये इक्वेशन बी है, अगर इक्वेशन ए की ये वाली वैल्यू मैं इक्वेशन बी में लगाऊँ, तो मेरे पास वाई इज इक्वल टू एल, और साइन थीटा की वैल्यू जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए है, इसे हमेशा याद रखिएगा कि हम कंस्ट्रक्टिव की बात कर रहे हैं, यहाँ तक तो हम लोगों ने ना कंस्ट्रक्टिव की बात की थी ना डिस्ट्रक्टिव की बात की थी, लेकिन जैसे ही साइन थीटा का मसला आया हमने कहा कि चले साइन थीटा की वैल्यू ही पुट करके देखें, तो हमें ये जो कंडीशन है लगानी पड़ी कि आया कि हमारे पास या तो कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव, तो मैंने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वैल्यू को लिया और ये फ़र्ज़ कर लिया कि पहला फ्रिंज जो है मेरे पास कंस्ट्रक्टिव प्रोड्यूस हुआ है, यानी कि ब्राइट, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए मुझे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाला पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो कि डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा है, तो जो साइन थीटा है वो इक्वल आ जाता है एम लैम्डा बाय डी के, तो यहाँ पर मुझे एम लैम्डा बाय डी लगाना चाहिए। तो एम लैम्डा बाय डी लगाने से मेरे पास जो ब्राइट जो फ्रिंज है उसकी जो लेंथ आ जाती है वो वाई यहाँ पर एल एम लैम्डा बाय डी आ जाती है। ये है उस फ्रिंज की जो है उस फ्रिंज की पोजीशन, यानी कि वाई को हम कह सकते हैं कि वाई जो है वो फ्रिंज पोजीशन बताता है हमें,
फ्रिंज पोजीशन है जो कि ब्राइट भी हो सकती है और डार्क भी हो सकती है, लेकिन इस केस में ये हमारे पास कंस्ट्रक्टिव के लिए आया, तो इसका मतलब है यहाँ पर हमारे पास पहला फ्रिंज जो है वो ब्राइट फ्रिंज प्रोड्यूस हुआ होगा, तभी तो हम लोगों ने ब्राइट की कंडीशन लगाई थी। हम लोगों ने खुद से कंडीशन लगाई ताकि हमें पता चले, खुद से फ़र्ज करना पड़ा कि फ़र्ज कर लेते हैं कि ब्राइट फ्रिंज ही प्रोड्यूस हुआ है। तो ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन लेने के लिए हम लोगों को साइन थीटा की वैल्यू आसानी से मिल गई, क्योंकि एम लैम्डा है, चूँकि कंस्ट्रक्टिव की बात हो रही है तो वाई इज इक्वल्स टू एल एम लैम्डा बाई डी आ जाता है। इसका मतलब है हमारे पास जो पहला फ्रिंज है अगर तो वो वाई एम एल डिवाइडेड बाई डी आ रहा है, जो कि इस सिचुएशन में इस तरह से आ रहा है, तो इसका मतलब है पहला फ्रिंज हमारे पास ब्राइट आएगा। अब अगर हम लोगों को डार्क फ्रिंज देखना है तो इसका मतलब है हम लोगों को ये लेट करना पड़ेगा कि जो हमारा साइन थीटा है वो वाई बाई एल के इक्वल है, और अगर साइन थीटा की मुझे वैल्यू चाहिए तो फिर तो मुझे पाथ डिफरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का लगाना पड़ेगा, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का जो पाथ डिफरेंस होता है वो 1 + m (λ/2) है। तो इसका मतलब है यहाँ पर मुझे अगर साइन थीटा की वैल्यू चाहिए तो मुझे डी को नीचे जाके डिवाइड कर देना चाहिए। तो जब डी को मैं इज इक्वल्स टू के इस साइड पर लेकर आती हूँ तो यहाँ पर मेरे पास 1 + m(λ/2)d आ जाता है, जो कि साइन थीटा के इक्वल है। तो अगर मैं इस सिचुएशन में साइन थीटा की वैल्यू लगाऊं, जैसे कि अगर वाई की पोजीशन के लिए पहले तो एल साइन थीटा करना पड़ेगा, एल एज इट इज ही रहेगा और साइन थीटा की वैल्यू यहां पर लगानी पड़ेगी, तो मुझे यहां पर ये डिस्ट्रक्टिव या डार्क फ्रिंज मिल जाएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर लगाने से मेरे पास 1 + m/2d (λ) आ जाता है, जिसे मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ कि l (λ) 1 + m/2d। तो ये मेरे पास जो है वो डार्क फ्रिंज की पोजीशन आ जाती है, जहाँ पर मेरे पास इस तरह से डार्क फ्रिंज प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब है उस फ्रिंज की पोजीशन में l(λ)(1+m)/2d से आसानी से मालूम कर सकती हूँ। जैसे कि इस सिचुएशन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास डार्कनेस आ रही है, इसका मतलब है यहाँ पर वाई जो होगा या फ्रिंज की जो फ्रिंज है, फ्रिंज की पोजीशन है, वो हम लोग l(m)(1+1)+ जैसे कि ये है 1 + m/2d (λ) के फॉर्मूले से मालूम कर सकते हैं। सिमिलरली जहाँ पे ब्राइटनेस प्रोड्यूस हो रही है वहाँ पर हम लोग जो है वो फ्रिंज की पोजीशन जो है m(λ)(l)/d से मालूम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों को ये पोजीशन मालूम हो जाती है फ्रिंज पोजीशन की, जो हमारे पास फ्रिंजेस आ रहे हैं डार्कनेस और ब्राइटनेस के, ये किस किस पोजीशन पर जाकर बनते हैं। जैसा कि इस सिचुएशन में कहीं पर हम लोगों को जो है ब्राइट फ्रिंज, कहीं पे डार्क फ्रिंज, कहीं पे ब्राइट, कहीं पे डार्क, तो इस तरह से हम लोगों को पोजीशन मालूम हो जाती है फ्रिंजेस की, कि फ्रिंजेस किस तरह से बन रहे हैं और किस किस पोजीशन पर बन। तो इस तरीके को इस्तेमाल करते हुए, यंग्स के तरीके को इस्तेमाल करते हुए हम लोगों को ये फ्रिंजेस की पोजीशन भी मालूम हो जाती है। फ्रिंजेस की पोजीशन को ही मालूम करने के लिए हम लोगों को वाई को मालूम करना पड़ा था, जिसे हम लोगों ने परपेंडिकुलर लेट किया था, क्योंकि पी वो पॉइंट है जहाँ पर जाके कोई ना कोई फ्रिंज मिलता है। मे बी इसके बाद एक पॉइंट यहाँ पर आ जाए जिसे पी टू कह देती हूँ, फिर एक पॉइंट पी थ्री आ जाएगा। तो इस तरह से पॉइंट इंक्रीज होते चले जाते हैं और यहाँ से इस तरह से वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है साइन थीटा के। तो जब ये कंडीशन हम इम्पोज करते हैं साइन थीटा वाली, तो होता हमारे लिए ये फ़ायदा हो जाता है कि हमें ऑलरेडी ही मालूम है कि जो हमारा साइन थीटा है वो कंस्ट्रक्टिव के लिए भी थोड़ा सा डिफरेंट है और डिस्ट्रक्टिव के लिए भी। तो उन दोनों अलग अलग सिचुएशन के लिए हम लोग साइन थीटा की वैल्यू पुट करते हैं, तो हम लोगों को जो फ्रिंजेस हैं उनकी पोजीशन पता चल जाती है ब्राइट के लिए भी, और एज वेल एज हमारे पास डार्क के लिए भी ब्राइट जो है फ्रिंज पोजीशन आ जाती है।